व्लॉग। आज हमारे घर पे काम वाली हमेशा की तरह आई नहीं है, अभी क्या पता काम वाली का कुछ सेट हो ही नहीं रहा है। अगर ऋषभदेव में कोई रहता है तो प्लीज़ मेरे कांटेक्ट में कोई काम वाली दिला दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी क्या बोलूँ मैं, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है अगर काम वाली नहीं होती है तो। अभी तक मेरा झाड़ू पोछा सब बाकी है, कल वाले कपड़े मैंने धोए नहीं थे तो अभी वॉशिंग मशीन में दोनों दिन के कपड़े धो रही हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा करूंगी। आज मैं पोछा भी बैठ के फिर लगाऊंगी क्योंकि कल भी लगाया नहीं था, सो इसीलिए एक बार पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। कपड़े उधर से धुल रहे हैं, बाथरूम बेसिंग्स वगैरह तो सब साफ़ कर लिए है अभी मैंने, डाइनिंग भी साफ़ कर लिया है। आज डाइनिंग पर फाइनली कवर भी लग गया है। गाइस मैं बैठ के पोछा करने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे कॉकिक्स का प्रॉब्लम हो गया, यानी टेलबोन का प्रॉब्लम हो गया है, तो वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि फटाक से अगर नीचे बैठ गई, और प्लेन सरफेस पे बैठने के लिए भी डॉक्टर ने मना बोला, सारे प्रिकॉशंस तो भूल गई थी, इसलिए खड़ी खड़ी पोछा कर देती हूँ फटाफट से पूरे घर में। अब मुझे करती हूँ क्यों? हाँ अब मुझे क्यों करती हूँ? आप मुझे क्यों करती हो बेबी? क्यों डर के खाना हिमायरू? अब तो कट्टी नहीं हो ना मुझसे, अब बुच्ची हो, बुच्ची कर दो, बुच्ची। मेरा बच्चा हिमायरू कौन है? कैसा लग रहा है तुम? हिमायरू हिमायरू। गाइज़ मैं रेडी हो गई हूँ और मम्मी ने खाना बना दिया है क्योंकि आज हम काम में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 2 बज गई हैं अभी। और ये रहा हमारा खर्च का खाना, क्योंकि दाल में मेरे अंदर दही डाल दे, रोटी और ये सलाद, और पति देव वहाँ बैठ के खा रहे। गाइज़ मेरे पे क्या बताया, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो गुस्सा बताओ? जाने तो यूँ नहीं बोलोगे अभी। चुगू तो रूट के चले गए, अब जाती हूँ उनके पास शॉप पे, मेरे को छोड़ दें क्योंकि फ़ोन आ गए, 2:06 उड़ गई है। थोबड़ा चढ़ा के बैठे हो, छोड़ने आओगे क्या? बस दिखाना मत वीडियो में। तो क्या जगू भैया को ले जाऊँ? मेरा काम भी है, मैं परफ्यूम्स आए। सो गाइज आज हम सीखने वाले हैं मेकअप। सो मेकअप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं, तो अभी क्लास लगने वाली है मेकअप की। थोड़ा सा कैमरा ऐसे रखो हाँ चालू है ना, चलो थोड़ा सा कैमरा ऐसे रखो, स्ट्रेट रखो, हाँ यूँ रख, ठीक है। तो अभी हम सारे प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं। अभी यहाँ पर मेकअप का ट्यूटोरियल तो क्या बनने वाला है, सब जनों को सिखाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत बकवास करते हुए काम करना पड़ेगा। तो अभी हम कैमरे को रख देते हैं एक तरफ, पूरा फाइनल जब मेकअप करेंगे तब आपको दिखाएंगे। सो गाइज मेकअप हो गया है, कैसा लगा मेकअप सज्जनों को? शानदार, मजेदार। सीखे नहीं सीखे ये बताओ, सिखाने के लिए किया था। जो सीखे उसको पूछो, मैं तो टैलेंट अभी क्या तो आपको कैसा लग रहा है गाइज बताओ मेकअप? आप सबको कैसा लगा? एक एक जना अपना अपना पर्सनल रिव्यू दो, कैसा लग रहा है मेकअप? बहुत अच्छा, आपको? बहुत अच्छा, चीकू देख के तो। इसके अलावा कुछ बोलो, इसके अलावा क्या बोलो? मैं रोज देखती नहीं इसलिए मैं रोज वाली होगी, लेकिन मेकअप तो शानदार होता है, मजा आ गया। जो चाहिए उसे मिल जाता है। कितने के लोगों के वाली कमी नहीं अभी आ पहले अब हेयर स्टाइल बनाओ, चलो इसी पे। ये हमारी कुछ हेयर स्टाइल बन के खुल भी गई है और दूसरी भी बन गई है, जो फर्स्ट बनाई थी इन्होंने, फिर करेक्शन करके रोशनी ने बनाई है। हाँ मैंने जुड़े बहुत सारे बनाए लेकिन छोड़ दिए, बस अब एक साथ पूरा सिखा देंगे, कल से आएंगे नहीं इसलिए अच्छा। थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, रोज रोज आएंगे ये यूँ। ये मैडम तो इधर के उधर ही कर रहे हैं बस क्या कहना चाहते हो आप? आपको कैसा लगा हमारा मेकअप? मेकअप तो मैंने किया है। सुनना चाहती थी आपको हमारी हेयर स्टाइल कैसी लगी? हेयर स्टाइल नाइस, बट थोड़ा सा वर्क करने की और जरूरत है। हालांकि आपने अच्छी बनाई है, इनको इनको हम करवा देंगे वर्क। ठीक है, मेरा काम है करना। हमारा इसमें हेयर स्टाइल सूट करनी है और ये बनाई है हेयर स्टाइल हिना दे देना। बोलिए क्या कहना चाहते हो गाइस? ये हेयर स्टाइल कैसी लग रही है हमारे रोमा दीदी पे? कमेंट करके बताना। So guys, अभी हम सब जने फ्री हो गए। अब एक एक के घर पे जाने का टाइम आ गया है। ये जा रहे हैं इनके घर। हेलो गाइस। और ये देखो हमें ही घर हो गया। टाइम बहुत बाकी है हमारा, 6:30 बजे का टाइम है गाइस। चिकू आए क्या बाहर? चलो बाहर जाके आते हो, मिल के आते हो उनको। सो फ्रेंड्स 6:30 हो चुकी हैं, अब चलते हैं घर पे। चिकू तो बाहर आए नहीं थे, मुझे लगा था चिकू बाहर आए नहीं थे। अभी उनको बुलाती हूँ लेने के लिए। आज मेरा फ़ोन उन्हीं के पास पड़ा हुआ है, सैमसंग वाला, क्योंकि उनको चार्ज करने के लिए दिया था तो उन्हीं के पास जमा है। गाइस अजमल की न्यू रेंज आ चुकी है परफ्यूम में। ये सारे अभी टेस्टर्स यहाँ पड़े हुए हैं, कल तक डिस्प्ले होंगे। और अभी शॉपकरो पर स्पेशल ऑफ़र ये चल रहा है कि आप अजमल की परफ्यूम की शॉपिंग अगर करते हो तो उसी के साथ आपको मरियाज़ का परफ्यूम फ्री मिलने वाला है। तो आप देखो आप कैसे कि बहुत अच्छी डील आई है। इसलिए घर को बनने में टाइम। गाइस मैं घर पे आ गई हूँ और यहाँ पर बन गया है हमारा खाना। खाने में आज बनाया है फूल गोभी मटर की सब्ज़ी और ये रोटी। तो अभी मैं मेरे खाने को एंजॉय करती हूँ। आई होप आपने यहाँ तक व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में।